बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इतवार का दिन है और अभी सुबह सुबह फोन आया ईडी मलिक साहब के, ईडी रियल एस्टेट के सरबरा अदील मलिक साहब हों चाहे वो शायद कुरैशी साहब कंट्री एट बहरिया टाउन हो, जिन लोगों ने जो सपोर्ट कर दिया सैलाब में वो मिसाल है। अपनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां वो नहीं कर सकें जिस तरह ये लोग उतरे और हमारे साथ मिलकर जेडीसी के साथ उन्होंने काम किया। अभी मुझे फोन आया उनका कि कराची से और हैदराबाद दोनों के, मतलब 30 मिनट कराची से 30 मिनट हैदराबाद से आए, तो बिल्कुल सेंटर में जो बहरिया टाउन 2 बना है वहां पर आए। एक अच्छी खबर है, 2 बड़े प्रोजेक्ट है जिसमें आवाम का बहुत फायदा होगा और आपके लिए एक ऐलान होने जा रहा है, तो चलते हैं। हम तो पहले ही सब हैरत में कि 400 फीट के चौड़े रोड दे दिए हैं 5 मरले के मकान। अगर आप अपने घर तक जा रहे हैं 400 फीट के रोड से गुजर रहे हैं, आप 50% के पोजीशन के ऊपर घर बनाइए, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए ऑफर्स, लेकिन हमारे लिए क्या है अच्छी खबर, चलते हैं देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। इस वक्त हम मौजूद हैं बहरिया टाउन 2 में और एडी मलिक साहब जो हमारे साथ जुड़े तो सैलाब में, और शाहिद कुरैशी साहब बहरिया टाउन कंट्री हेड जुड़े तो सैलाब में लाखों बोरे राशन और रिकॉर्ड जो काम कर दिया, जो तारीख बन गई दुनिया की, और इस वक्त भी घर बन रहे हैं और उसमें भी अदील भाई साथ हैं। और अभी अदील भाई का सुबह 8 बजे फोन आ गया, जरा बहरिया टाउन 2 पहुंचो, एक आपके लिए अच्छी खबर है। हम पहुंचे हैं सर सुबह सुबह, आपने बुला लिया। अस्सलाम वालेकुम अदील भाई जी। वालेकुम अस्सलाम सजील भाई। तो भाई आपको उठाना सुबह इसलिए था कि आपके लिए अच्छी खबर क्या, मलिक साहब और शाहिद साहब ने आपकी जितनी सैलाब की खिदमत दे के ना, तो सोचा कि आपको क्यों ना एक बड़ी जगह पे एक बड़ा सेटअप दिया जाए। जैसे आपका जेडीसी हाउस है, इस तरह आपको यहाँ जेडीसी ऑपरेशन करने के लिए हम पूरा एक सेटअप दे रहे हैं, जिसमें आपके आईटी, आपके दस्तरखान, आपके जितने सैलाब के लिए भी यहाँ से सरगर्मियाँ इंटीरियर के लिए होंगी, तो यहाँ से आराम से आप मूव कर सकेंगे। अब ये देखें, आपको जो रोड इधर ट्रांसपोर्टेशन के लिए मिलेगा कोई 200 फुट का नहीं मिलेगा, 600 फुट का रोड मिलेगा। तो ये मलिक साहब का और शाहिद भाई का बहुत शुक्रिया आपके लिए, ये इन्होंने कहा था कि अदील जाके ऐलान कर दे और इनको दे। अदील भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कह रहे हैं जेडीसी टावर यहाँ बनेगा जिसमें तमाम चीजों के ऑफिसेज इंशाल्लाह यहाँ बनेंगे, और वाकई ये मैंने अभी गौर के बोलने के बाद, ये वाकई इतनी चौड़ी रोड है इसके ऊपर जहाज उतर सकता है, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। नहीं, मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगा सर। देखें यहाँ अभी तो आपने जो घर आपने और हमने शुरू किए हैं, ये कोई एक दिन दो दिन का काम तो नहीं है, नहीं, नहीं, ये तो बनते जा रहे हैं। साल दो साल लग जाएंगे कम से कम, ऐसा ही है। तो आप क्यों ना ये सारा इंटीरियर का ऑपरेशन ही यहाँ से हैंडल करें। ऐसे ही देखिए, मुतासरी ने सैलाब के लिए जो हम घर बना रहे हैं, हमें एक बस्ती बनाने में 15 दिन लग रहे हैं, चाहे वो 100 घरों की हो चाहे वो 60 घरों की, ऐसे ही है ना? तो इतना टाइम लग रहा है। अभी सुई जिस तरह ये हमारे साथ मिलके बना रहे हैं, अदील भाई वहां पे घर बना रहे हैं मुतासरी सैलाब के लिए, वैसे ही सुई सदरन गैस जो है उन्होंने हमारे साथ डायलिसिस सेंटर बनाया है लियारी में, सुई नॉर्दर्न गैस जो है वो हमारे साथ मिलकर घर बना रही है यहाँ पर पंजाब से, उन्होंने उसके लिए फंड दिया, और भी मुख्तलिफ लोग जुड़ते जा रहे हैं। एक दफा फिर मैं शुक्रिया अदा करूंगा मलिक रियाज साहब का, शाहिद कुरैशी साहब का, जिन्होंने जेडीसी टावर के लिए यहाँ पर जगह दी है, बल्कि न सिर्फ जगह दी बल्कि बना के दे रहे हैं, ऐसे ही सर बना के देंगे। तो इंशाल्लाह आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, जेडीसी मलिक साहब आपके लिए एक इंशाल्लाह ताला सून बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं, परेशान हो जाएंगे कि वो उसके लिए, वो भी आवामी प्रोजेक्ट, सबको आवाम को क्या फायदा होगा, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है आवाम के लिए, और वो प्रोजेक्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा और उससे लोगों को, लोगों की जिंदगियां बचेंगी, और लोगों ने नहीं सोचा होगा इस तरह के, बहुत सारे हम तसव्वुर करते हैं खाली के यार कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कोई हेलीकॉप्टर आ जाएगा मदद करने के लिए, और अगर आएगा तो शायद लाखों रुपए ले लेगा, मतलब एक बहुत बड़ा काम चल रहा है। इंशाल्लाह जल्द आप लोग सुनेंगे और आप लोग दुआएं देंगे। मैं एक दफा फिर शुक्रिया अदा करूंगा बहरिया टाउन की पूरी मैनेजमेंट का, मलिक रियाज साहब का, अली रियाज साहब का, शाहिद कुरैशी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, जेडीसी टावर के लिए ना सिर्फ जगह दी बल्कि बना के दे रहे हैं, और इंशाल्लाह जेडीसी के जितने ऑपरेशन है, जो हेड ऑफिस है, जैसे जेडीसी आईटी सिटी है, जेडीसी की लैब बन रही है, अरबों रुपए का प्रोजेक्ट है, कौन दे सकता है 50,000 रुपए लैब के टेस्ट के, सब फ्री हो रहा है। जेडीसी मॉर्चरी वर्ल्ड की लार्जेस्ट मॉर्चरी 1,000 मैयतों की, जेडीसी डायलिसिस सेंटर गली गली खुल गए, 13 तो खुल चुके हैं, हमने तो अभी सोचा था कि शायद एक साल में 10 खुलेंगे, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लग रहा है हम 2-2.5 साल में पूरे 50 पूरे मुकम्मल कर लेंगे। और जेडीसी के यतीम खाने, ओल्ड एज होम, दस्तरखान, मोबाइल रेस्टोरेंट, जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, एम्बुलेंस है, डिजास्टर का काम है, इंशाल्लाह वो सब और बड़े पैमाने पर होगा। आप लोगों की सपोर्ट जारी रहेगी सर, सर बहुत शुक्रिया, जब तक जिंदगी है इंशाल्लाह। नहीं, थैंक यू। स्टूडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, फॉरवर्ड कीजिएगा, अगर ट्विटर पर देखें रिट्वीट कीजिएगा, अच्छी चीज है। आपने सुबह सुबह बुलाया मैं समझ रहा था, लेकिन कारामद रहा था, थैंक यू। अल्लाह की तरफ से।